वो 18,000 करोड़ रुपए की दौलत का मालिक है, लेकिन वो साइकिल से घूमता है। अमेरिका में उसके पास आलीशान मकान है, लेकिन वो गांव में रहता है। उसकी कंपनी में ना जाने कितने कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन वो गरीबों के साथ ही घूमता है। वो अमेरिका में सिलिकॉन वैली का स्टार है, लेकिन गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपना दिन बिताता है। वो जोहो कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक श्रीधर वेम्बू है, जिसने अपने दम पर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रेन ड्रेन की जगह जिस ब्रेन गेन की बात करते हैं, उसकी मिसाल श्रीधर वेम्बू में नजर आती है। मशहूर बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कंपनी का नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए है, लेकिन श्रीधर वेम्बू पिछले साल यानी 2019 से दक्षिण तमिलनाडु स्थित एक छोटे से गांव तेनकासी में स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण शिक्षा की उन्नति के लिए स्कूलों में पढ़ाई से संबंधित स्टार्टअप खोलने का सपना देखा है और वे उसे पूरा करने में जोर शोर से जुटे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में साइकिल चला रहे श्रीधर को देखकर आप चौंक मत जाइएगा। अमेरिका में अरबों खरबों के मालिक श्रीधर ने अपने इस सपने की शुरुआत 3 बच्चों को होम ट्यूशन देने से की और साल 2020 के अक्टूबर महीने तक उनके पास 4 शिक्षक और 52 स्टूडेंट हैं। श्रीधर शिक्षा का एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं जहां ना तो डिग्री का और ना ही नंबरों का महत्व हो, बल्कि उसमें नंबर की जगह नॉलेज को महत्व मिले। वे चाहते हैं कि स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के साथ मुफ्त भोजन भी दिया जाए।